चूँकि दोनों सीटें महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उन सीटों को जीतना है। और बीजेपी जो भ्रम जाल फैलाती रहती है कि उसको भी आटा दाल का वो पता चल जाएगा कि उसका गोपालगंज में क्या स्थिति है, उसका मुकामा में क्या स्थिति है। मैं समझता हूँ यह चुनाव एक तरफा होगा और महागठबंधन के प्रत्याशी विशाल बहुमत से जीतेंगे। वो बयानबाजी के बजाय वो एक्सेप्ट करना चाहिए आखिर कहाँ से कमी रह गई और बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं, गोपालगंज और मुकामा। मुकामा को लेकर कहा जाता है कि शुरू से अनंत सिंह का गढ़ रहा है, वहीं गोपालगंज आरजेडी के खाते में सीटें जो हैं वो रही है। क्या कुछ तैयारी है महागठबंधन की तरफ से? क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि एनडीए से अलग होकर जदयू महागठबंधन की सरकार में है, तो जदयू का कितना सपोर्ट रहेगा, वहीं बीजेपी को क्या नुकसान होने वाला है, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है किस तरह की तैयारी है? मुकामा में तो शुरू से अनंत सिंह का गढ़ रहा है, वहां से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, आप लोगों का किस तरह से सपोर्ट रहेगा? देखिए, दोनों सीटें परंपरागत तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और उनसे जुड़े नेताओं का रहा है। चूँकि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई है और 15 अक्टूबर तक नॉमिनेशन हो रहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल को ही मुख्य ड्राइविंग सीट पर आना है दोनों उपचुनाव में, उनके ही उम्मीदवार होंगे और हम लोग उनको समर्थन देंगे। कंपेनिंग में कांग्रेस के भी लोग लगेंगे। मुकामा में एक समय था जब कांग्रेस के भी प्रत्याशी होते थे, कांग्रेस का एमएलए भी होता था, लेकिन बहुत पुरानी बात है। लेकिन फिर भी मुकामा से लेकर गोपालगंज तक, चूँकि दोनों सीटें महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उन सीटों को जीतना है। और बीजेपी जो भ्रम जाल फैलाती रहती है कि बीजेपी के चलते एनडीए को फायदा होता था, उस मिथ को भी तोड़ना है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी के लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास में कैंडिडेट्स नहीं है, बाहर से कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में तो क्या लगता है कि महागठबंधन के लिए तो रास्ता साफ नज़र आ रहा है? देखिए, इनफैक्ट दोनों सीटों पर कोई कंटेस्ट नहीं होगा, बीजेपी के पास कैंडिडेट क्या, बीजेपी के पास कोई समर्थक और वोटर भी नहीं होगा इन दोनों क्षेत्रों में। जो वहाँ का सामाजिक समीकरण है वो राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों के जो नया गठबंधन बना है उसके मतदाताओं, उसके समर्थकों की संख्या बहुत बढ़िया है। तो बीजेपी को लड़ना है, लड़ ले, उसको भी आटा दाल का वो पता चल जाएगा कि उसका गोपालगंज में क्या स्थिति है, उसका मुकामा में क्या स्थिति है। तो मैं समझता हूँ यह चुनाव एक तरफा होगा और महागठबंधन के प्रत्याशी विशाल बहुमत से जीतेंगे। जो जिस तरह से जोरों शोरों से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, काफ़ी हलचल देखने को मिला, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें स्थिरता देखी जा रही है क्योंकि आरजेडी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। क्या लगता है कि उपचुनाव होने हैं, ऐसे में कितना असर पड़ सकता है चुनाव पर भी? कोई घमासान नहीं मचा है। हर पार्टी में कुछ ऐसा नेता होते हैं जो कुछ कुछ बयान देते रहते हैं और उस पार्टी के नेतृत्व का एक कर्तव्य है कि उन लोगों को टाइम टू टाइम सलाह दें, गाइडलाइन जारी करें, इस तरह के बयान से परहेज करें। हाल ही में मैंने देखा तेजस्वी यादव जी ने गाइडलाइन जारी किया, फिर सब ने उनकी बात को मानी है। तो बयान अगर कोई सार्थकता वाली है तो दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अनावश्यक बेफिजूल की बातों को बयान के जरिए कि किसी मीटिंग भाषण के जरिए रखना जिससे भ्रम फैले, ये कहीं से भी उचित नहीं। एक सवाल अभी है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और आप सत्ता पक्ष के लोगों के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से यह कहा गया कि बीजेपी द्वारा रची हुई साजिश है, जदयू इसके खिलाफ में जो है पोल खोल अभियान चलाने वाली है और राजद कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अपना किनारा करता नजर आ रहा है। राजद को इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं लग रहा है क्योंकि इन सब कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्या कांग्रेस साथ देगी जदयू का पोल खोल अभियान में? बिल्कुल देगी। जो हमारा गठबंधन बना है तो सिर्फ इसके लिए थोड़ी बना है कि हमारे दो लोग उसे मंत्री बन गए तो हम खुश हैं। हमारा एक दायित्व ही बढ़ा है, जब कोई गठबंधन बनता है तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग के तहत काम होती है। ये बात सच है कि ये नगर निकाय के चुनाव में जिस तरह से रोक लगाना पड़ा हाईकोर्ट को, तो ये कमी और त्रुटि क्यों और कैसे रह गई, ये बातें अब सामने आ रही हैं।
कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में समय रहते जो काम करना चाहिए था वो नहीं होने दिया और अब बयानबाजी कर रहे हैं वो लोग। तो ये जदयू या बीजेपी के नेताओं को बयानबाजी का नहीं है, ये प्रयास होने चाहिए कि आगे से फिर ऐसा कोई रोक ना लगे, उसमें जो कुछ कमियां रह गई उसको समय रहते पूरा कर लें और टाइम पर फिर नेक्स्ट टाइम में कोई चुनाव होगा। कमियां तो नीतीश कुमार के तरफ से ही रही है ना, जिसका खामियाजा जो है वो नहीं नहीं ये किसी इंडिविजुअल के तरफ से कमियां नहीं रही है, सरकार जो चला रहे थे उस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख भूमिका थी। केंद्र सरकार, बिहार सरकार, खासकर ओबीसी आरक्षण को लेकर जो तकरार कई पॉइंटों पर खराब हो गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी का रुख बहुत ही खराब था, उस वजह से भी एक समस्या आई है। तो बीजेपी को बयानबाजी के बजाय वो एक्सेप्ट करना चाहिए आखिर कहाँ से कमी रह गई और बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, ये राज्य की जनता को उसे बताना होगा। और मैं समझता हूँ अब समय है, इसका निराकरण ढूंढ लिया जाएगा और फिर से चुनाव हो जाए समय पर और सब जो भी समस्या खत्म हो जाए और आराम से चुनाव हो जाए। एक सवाल यह भी है कि आज राजद की ओर से एक बड़ा बैठक होने जा रहा है और जिस बैठक में तमाम राजद के बड़े लीडर जो हैं वो शिरकत करेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने बेटे को लेकर नाराज चल रहे हैं और सुधाकर सिंह जिस तरह से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और सरकार के खिलाफ उन्होंने जो बात कह रहे हैं, जो वो सरकार की पोल खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मुद्दा रहता था वो तेजस्वी यादव का रहा है, तो वही काम तो सुधाकर सिंह कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे दिक्कतें क्यों हुई आखिरकार? फिर ये उनके कुछ बयानों से भ्रम की स्थिति पैदा हुई। कांग्रेस का मानना है कि अगर आपको लगता है कि आपके विभाग में कुछ अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे, ये गड़बड़ियाँ हो रही है, तो ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहिए, बयान देने से थोड़ी समस्या का समाधान होता है। लेकिन जो भी हो, चैप्टर क्लोज हो चुका है, मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब उनकी जगह पे दूसरे राजद के नेता को वो काम सौंपा गया है, तो अब मैं समझता हूँ नए मंत्री जी भी इस बारे में ध्यान देंगे और कुछ गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिन्हित करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव भी तो शुरू से स्वास्थ्य को लेकर के आवाज़ उठाते रहे हैं, तो क्या आज वो गड़बड़ियाँ सब सही स्थिर हो गई, क्या वो अब गड़बड़ियाँ स्वास्थ्य विभाग में नहीं है, फिर आखिरकार क्यों इन सब चीज़ों से वो रुख मोड़ रहे हैं? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जुमा भी 2 महीने भी सरकार को नहीं हुआ, सरकार धीरे धीरे गति पकड़ रही है और जहाँ जहाँ जिन चीज़ों के बारे में कमियाँ नज़र आएंगी निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी और न्याय सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव जिस राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके ऊपर दायित्व ही भरा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग देखें या नगर विकास देखें, जो भी डिपार्टमेंट उनको मिला है निश्चित तौर पर आप देखेंगे उसमें आपको गुणात्मक परिवर्तन जल्द ही नजर आने लगेंगे और बेहतर काम वो कर रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ करना था कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्र का, इस खबर से बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, धन्यवाद।